हाय फ्रेंड, क्या आपको भी मेरी तरह इतना ही अमेजिंग लौकी का हलवा बनाना है? तो चलिए देखने का, तो मैं आपको सिखाती हूँ कि लौकी का इस तरह का मिठाई कैसे बनाई जाती है। हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखिए, मैं आपको लौकी का हलवा बनाना सिखाऊंगी और ये हलवा बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से और जल्दी कम समय में बन जाता है। तो देखिए, मैंने लौकी को इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं लौकी को कुकर में डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसके बाद हम इसको 5 से 6 सीटी लगाएंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसे हम 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। आपको आंच को मीडियम रखना है। बने रहो मेरे चैनल पे फुल वॉच करिए और ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, मैंने लौकी को निकाल दिया है और ये ठंडा हो चुका है। अब क्या करना है, आपको अपने हाथों से इसको किस तरह से गार के अलग करना है जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वो बाहर निकल जाए। और यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर सूखा नारियल लिया है। आप पानी वाला नारियल भी ले सकते हो, या अगर आपके पास सूखा नारियल तो आप सूखा नारियल ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है। और यहाँ मैंने 4 इलायची लिए, इसको कूट लिया है। और यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है। तब तक मैं दूध को गर्म कर रही हूँ। बने रहो मेरे चैनल पर और आप फुल वॉच कीजिए। और ये बहुत ही अमेजिंग हलवा बनता है और आज तक आपने इससे पहले इस तरह का हलवा नहीं खाया होगा, तो बने रहो चैनल पे। देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो हमारा लौकी था उससे मैंने पानी निचोड़ लिया है और यहाँ घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें इसको डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं घी में भूनूंगी। हमारा घी भी गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे जो नारियल लिए हैं इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारा लौकी है ना, अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम शुगर डालेंगे। अगर आपको गुड़ डालना तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आज चीनी वाला बना रही हूँ। जब मैं गुड़ वाला बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी, वो दूसरे तरीके से बनते हैं। अब इसमें थोड़ा सा शुगर डाल दूँगी। मैंने 2 टेबल स्पून शुगर डाला है। अब मैं इसको इसके साथ ऐसे मिलाऊंगी जिससे शुगर जो है वो इसके साथ मिल सके। अगर आप पहले शुगर नहीं डालेंगे और बाद में डालेंगे तो आप दूध डालेंगे तो आपका दूध फट जाएगा। लेकिन अगर आप शुगर पाउडर इसमें डाल के उसके बाद इसको अच्छी तरह से जब ये पूरा चाशनी छोड़ने लगेगा, शुगर पाउडर पिघल जाएगा, उसके बाद अगर आप दूध डालते हो तो आपका दूध फटता नहीं है और आपका जो ये हलवा है बहुत टेस्टी बनता है। मैंने कहा मेरे चैनल की इडी वाली ये रेसिपी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मेरी माँ के हाथों की रेसिपी है। आप इसे एकादशी किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और इसको हम थोड़ा सा शुगर पाउडर सब पकने देंगे, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। ये देखिए, हमारा शुगर जो है वो अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और यहाँ देखिए मैंने दूध दिया है। अभी दूध को मैं इसमें डाल दूँगी और इसको चलाते रहूँगी, वरना दूध फट जाएगा। इस तरह से इसको चलाते रहिए, थोड़ी देर आपको चलाना है। देखिए, इस तरह से आप इसको चलाते रहिए। थोड़ी देर चलाने के बाद आप गैस का फ्लेम तेज कर सकते हो। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी जो मैंने टेस्ट किया था, थोड़ा सा बचा के रखती हूँ। चलाते रहिए। यहाँ पर मैंने 3 कलछुल दूध लिया है। देखिए, इससे मैंने 3 कलछुल दूध लिया है। और मैंने ये एक पूरी लौकी ली थी छोटी वाली। अब मैं गैस की फ्लेम को तेज कर दूंगी और इसे पकने दूंगी इस तरह से।
पर बने रहिए मेरे चैनल पे। ये देखिए ये आपका हो चुका है, आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लसलसा हो जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये लौकी वाला जो भाग है वो वाला कंप्लीट हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने फिर से घी डाल दिया थोड़ा सा, और जो मैंने नारियल का पाउडर बनाया है उसको मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए जो बचा हुआ इलायची पाउडर था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं नारियल के पाउडर को यहाँ पे थोड़ा सा भून रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डालूँगी, एक टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें चीनी डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मैं धीमी आंच पर चलाऊँगी, आपको बहुत तेज़ नहीं करना वरना आपका नारियल जल जाएगा। इसको धीमी आंच पर हम चीनी को मेल्ट होने के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। ये देखिए, और ये देखिए लौकी का मिश्रण मैंने निकाल लिया, इसको मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, बने रही मेरे चैनल पर। ये देखिए हमारा नारियल वाला भी भाग तैयार हो गया है। हमको क्या करना है बने रही मेरे चैनल पर। देखिए सबसे पहले आपको देखिए आपको क्या करना है, आपको नारियल आपको पहले जो मैंने लौकी वाला जो पार्ट बनाया है उसको इस तरह से आपको पहले किसी प्लेट में गार्निश कर लेना है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर नारियल के बुरादा वाला भाग बनाया है उसको इसके ऊपर इस तरह से आपको डाल के इस तरह से फैलाना है। और ये हलवा बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से इसको आपको इसमें सेट कर देना है। देखिए बने रहिए मेरे चैनल पर। ये देखिए अब इसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट है, आपको जो लौकी का दूसरा पार्ट है उसको इसके ऊपर रखिए और पूरा फैलाइए इस तरह से। देखिए मैंने दूसरा लेयर भी लगा दिया अच्छे से। अब इसके ऊपर आपको जो आपने नारियल का जो बनाया है बुरादा उसको इस भाग को इस तरह से आपको फैलाना है। और ये हलवा बहुत ही अच्छा बनता है, तरह से आप कर दीजिए। आप इसको ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हो, इस दिवाली आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। देखिए इस तरह से देखिए ये आप देख सकते हो कितना टेस्ट लग रहा है ना हलवा। ये देखिए हमारा लौकी का हलवा बनके तैयार हो गया। आप ये देख सकते हो कितना यम्मी लगता है। अगर आपको इसका कलर ग्रीन रखना हो तो आप इसमें कलर का यूज़ कर सकते हो, फूड कलर का। मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको नॉर्मल तरीके से ही बनाया है। और ये देखिए थोड़ा देर इसको और सेट होने देंगे और आप इस दिवाली इसका लुत्फ उठाइए। और ये खाने में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है, तो एक बार आप मेरी तरफ से लौकी का हलवा बनाइए। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।